अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सिंध पुलिस के हवाले से। सिंध पुलिस में जो बीटर्स काम करते नज़र आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग कर लिया गया है और कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर ये जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। ब्लैक कंपनी की बात की जाए और दूसरे दीगर खुफिया यूनिट्स की, वो तहकीकात के अंदर इस वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं और तहकीकात करते नज़र आ रहे हैं। और मोहतात अंदाजे के मुताबिक 108 पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जिसमें पुलिस के आला अफसरान के नाम पर काला धन इकट्ठा किया जाता है और उनके नाम पर करप्शन होती है। अब या तो वो मुलव्विस हैं या फिर उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात की जा रही हैं, देखना यह है कि किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं ताहिर अब्बासी। ताहिर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह से काला धन इकट्ठा किया जा रहा है और फिर नाम इस्तेमाल होता है पुलिस के आला अफसरान का, इसमें कितने हकाइक हैं? बिलाल, शहर में एक तासुर आम दिया जाता था कि जो कराची के पुलिस स्टेशन हैं वो ऑर्गेनाइज्ड जराइम के जरिए जो जराए आमदन है उससे चलाए जाते हैं। गुलाम नबी मेमन साहब ने एक सिस्टम बनाया था जिसके तहत बराह रास्त थाने की सतह पर जो है वो फंड्स की फरामी और पुलिस मोबाइलों के लिए जो है वो डीजल की बिला तातुल फरामी के लिए कार्ड फराम किए गए थे। इस पर जो तजुर्बे थे वो कामयाब हुए, तो फिर उसके बाद अब बाकायदा तौर पर एक ब्लैक कंपनी का ये बना दी गई है जो कि काला धन जमा करने वाले इन अफसरान के नाम पर जो बीटर्स हैं उनके खिलाफ बारीकबीनी से तहकीकात कर रही है। वाजे तौर पर ये तासुर अब खत्म किया जाना चाहिए, ऐसे अहकाम कराची पुलिस चीफ की जानिब से दिए गए हैं कि ऑर्गेनाइज जराइम के जरिए एक भारी रकम वसूल करने के बाद थानों की सतह पर मामला चलाए जाएंगे। अब ये तासुर खत्म करने के लिए उन्होंने फंड बाकायदा तौर पर अब जारी करना शुरू किए हैं, तो जब ये तजुर्बा कामयाब हो गया है तो अब इस नौयत के जो बीटर से जो पुलिस के नाम पर पैसे इकट्ठा करते थे, ऑर्गेनाइज जराइम के नाम पर मौकल याफ्ता जो अरकान हैं उनसे ये पैसे इकट्ठे किए जाते थे, अब ये सिस्टम खत्म किया जा रहा है। 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कराची पुलिस के नाम पर शहर भर से एक भारी मकदार में जो है वो पैसा इकट्ठा करते गए। शहर के 8 थानेदार हैं, इन 8 100 से ज्यादा जो थानेदार हैं इन तमाम के तमाम के नाम पर शहर भर से काला धन इकट्ठा होता है। ये 200 से ज्यादा बीटर हैं, इनमें मजमूई तौर पर पुलिस थानों की सतह पर हैं, जबकि कुछ जो शहर में 8 एसएसपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सतह पर भी जो है वो बीटर्स काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही है। वाजे तौर पर अहकाम दे दिए गए हैं कि जो जो ऑर्गेनाइज जराइम में मुलविस होगा पुलिस अफसर उसके खिलाफ इब्तदाई तहकीकात के बाद उसे ब्लैक कंपनी ट्रांसफर किया जाएगा, वहां मजबूरी तौर पर उसके खिलाफ तहकीकात की जाएगी और फिर ये फैसला किया जाएगा आया वो कराची पुलिस चीफ की हिदायत के मुताबिक सर्विस का हिस्सा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अब तक की जो इत्तलात है, 5 थानेदारों को ब्लैक कंपनी ट्रांसफर कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जो कराची पुलिस के जो अहलकार हैं जो अब तक ट्रांसफर हुए हैं उनकी तादाद 19 है और ये फैसला जो शहर भर के 60 अय्याम है उनके दौरान जो होने वाली वारदातें हैं उसकी रोशनी में किया गया है। ताहिर, एक लिस्ट तैयार की गई है, उसमें सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बशमूल 17 ग्रेड और फिर थानेदारों के नाम और उसमें बीटर्स के नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे आला अफसरान है जिनका नाम शामिल है? बिलाल, शहर में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 एसएसपी ऐसे हैं जो ऑपरेशनल तौर पर शहर की अमन अमान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। उन 8 के जो है वो जेरे निगरानी 108 पुलिस स्टेशन हैं जो कि शहर भर में कायम कर रहे हैं। इन तमाम के अलावा 17 ग्रेड के जो डीएसपी हैं जो कि शहर में ऑपरेशनल पुलिस पे तैनात हैं और कुछ ट्रैफिक पुलिस पे तैनात हैं जिनके नाम पर काला धन इकट्ठा किया जाता है और ये गुज़श्ता अरसा दराज से होता रहा है। शहर में जो थानेदार तैनात हो रहे हैं, जो पहले तासुर दिया जाता था कि एक भारी रकम के नजराने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है, उस तासुर को खत्म करने के लिए पहला मरहला मुकम्मल किया गया है। अब दूसरे मरहले में ये तासुर दिया गया जा रहा है कि जो पुलिस अफसरान इस बात पर आज भी काम कर रहे हैं कि काला धन इकट्ठा होगा तो थाने के मसाइल हल होंगे और मामला चलाए जाएंगे, उसको खत्म करने के लिए कराची पुलिस चीफ ने ब्लैक कंपनी के कुछ अफसरान का इंतखाब किया है जो इलाकाई सतह पर काम कर रहे हैं और बीटर्स के खिलाफ खूबसूरती तौर पर जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रखेंगे। बाकायदा तौर पर उसका जिम्मेदार थानेदार को ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात में अगर वो बाजाबता तौर पर शवाहिद की रोशनी में जो है वो ठहराया गया तो उसके खिलाफ ये फैसला होगा कि आए ये वो कराची पुलिस का हिस्सा रहेगा या फिर नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। 5 अफसरान अब भी जो पुलिस के थानेदार थे वो इस तमाम सूरत हाल की दस्तक है, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। ठीक है ताहिर, सख्त फैसले मुतवक्के हैं एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से। एक सवाल और है, यहाँ पर जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की बात की जाए, इनका काम यही होता है कि पुलिस अफसरान या फिर जो अहलकार हैं उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी नकल व हरकत के ऊपर तमाम चीज़ों को मॉनिटर करके आगे रिपोर्ट करना,
क्या इन डिपार्टमेंट से काम नहीं हो रहा था जो ब्लैक कंपनी को इन्वॉल्व किया गया? बिलाल, जोनल और जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांचेस हैं, क्योंकि उनके जो सादा लिबास इलाकाई एहलकार थे उनको तो पहले ही कराची पुलिस चीफ के अहकाम की रोशनी में इलाकों से जो है वो क्लोज कर दिया गया है, और अब वो कुछ ट्रैफिक में सिक्योरिटी अंजाम दे रखे हैं और कुछ को जो है वो RRF समेत दीगर यूनिट्स में जो है वो तबादले कर दिए गए हैं। लेकिन जो जोनल इंटेलिजेंस ब्रांचेज हैं वो पहले भी इससे कबल कभी भी जो इलाकाई सतह पर तैनात अफसरान हैं उनके खिलाफ रिपोर्टें नहीं मुरतब करते, क्योंकि ये एक ही थाली के तमाम बैंगन है। वाज़े तौर पर ये तासुर है कि जो जोनल इंटेलिजेंस ब्रांचेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी और खास अयाम के मामला होते हैं वो उनको डील करती है और उससे मुतालिक सिक्योरिटी के हक में प्लान तैयार करती है, लेकिन इस नौयत के जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो स्पेशल ब्रांच इसमें जरूर किरदार अदा करती रही है। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा जब गुलाम नबी मेमन का तबादला हुआ स्पेशल ब्रांच से, तो उसके बाद एक मरतबा फिर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकारों का गठजोड़ सामने आया है, और जो बाबा तौर पर तसलसल के साथ जो रिपोर्ट्स सामने आ रही थी मंशात परोचों की, सरपरस्तों की, गुटके के सरपरस्तों की, लैंड ग्रैबर्स की, और साथ साथ ऑर्गेनाइज जराइम में मुलविस पुलिस एहलकारों की, वो सिलसिला अब थम चुका है, क्योंकि गुलाम नबी मेमन अब वहां नहीं रहे, क्योंकि अब वो कराची पुलिस के सर पर आ गए, तो अब ये सिलसिला यहाँ शुरू किया। ताहिर, हम अरसे दराज से एक चीज नोट कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट तरतीब देती है उस रिपोर्ट के अंदर मन माने जिस तरह से इजाफे किए जाते हैं नामों के, और फिर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो किसी फरमाइश के ऊपर या सिफारिश के ऊपर एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। जब गुलाम नबी मेमन एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात हुए, उसके बाद कुछ हमने देखा कि हरकत होती दिखाई दी, कार्रवाइयां भी हो रही थी, आज फिर हम उसी नेज पर खड़े कि जिसका नाम चाहे निकाल दिया जाए, जिसका नाम चाहे डाल दिया जाए। अजी बिलाल, बिल्कुल, माजी में स्पेशल ब्रांच को मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है, और जो हालिया दिनों में दो बड़ी अहम रिपोर्ट आई थी, एक मंशात परोशों से मुतालिक थी, दूसरी गुटखा फरोशों से मुतालिक थी, उसमें भी कुछ नुकात ऐसे थे, कुछ नाम ऐसे थे जो मुखालफीन की जानिब पे अपने दीगर मुखालफीन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। स्पेशल ब्रांच माजी में भी इस्तेमाल होती रही थी और आज भी इस्तेमाल हो रही है। इसका एक बेहतरीन हल था कि जो इलाकाई सतह पर सादा लिबास एहलकार हुआ करते थे, जो इलाकाई सतह पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और होने वाले हर जुर्म की दास्तान को फौरी तौर पर रिपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वो नेटवर्क नहीं रखा गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वादे तौर पर वाहिद स्पेशल ब्रांच पर डिपेंड कर रही है सारी चीजें। लेकिन इलाकाई सतह पर इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो कशीदा है। शहर में जो वारदातें हैं वो इसीलिए बढ़ लगी हैं क्योंकि अब पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह मुनज्जम तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। वो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कुछ फैसलों की वजह से उसे कराची में भ्रष्ट कर दिया गया है। ताहिर, हमने जुए की सट्टे की मंशियात फरोशों की बात की, एक और जुर्म ऐसा है जिसमें आला सतही सपोर्ट हासिल होती है, सियासतदान हो या फिर कोई बासा शख्सियत हो, उनके अकब में ये सारे काम होते दिखाई देते हैं। गेस्ट हाउसेस की अगर बात कर ली जाए तो ये नेटवर्क कहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि अगर कोई मीडिया पर्सन जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहता है चीज़ों को, तो फिर पुलिस का या स्टेशन हाउस ऑफिसर की जानिब से भी ऑब्लाइज नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? बिलाल, क्योंकि कराची में अब ये भी एक सनद बन चुका है, आप अपने घर के अंदर 3 कमरे रखें और उसे गेस्ट हाउस का दर्जा देकर उसे फरोख कर दें या किराए पर दे दें, या आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जिला जुनूबी और जिला शर्की में ये इंतहाई गुज़श्ता अरसा दराज से एक नेटवर्क की सूरत अब अख्तियार कर चुका है, और इसे ना कि सिर्फ जुआ सट्टा मंशियात फरोशी और मंशियात की ऑर्गेनाइज महाफिलों के साथ साथ फाशी के लिए बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। जिला जुनूबी और जिला शर्की में पूरा पुलिस का नेटवर्क है जो इनको सरपरस्ती करता है, इनको शेल्टर देता है। अगर ताहिर पुलिस का नेटवर्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर की जानिब से अगर सपोर्ट की जा रही है, और फिर हम वही बात करते हैं बीटर्स की जानिब से काला धन भी इकट्ठा किया जा रहा है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर DSP हैं, SSPs हैं, SPs हैं, फिर एडिशनल IG खुद विलिंग नजर आते हैं काम करने के लिए, तो फिर इस इशू को क्यों नहीं रेज किया जाता इनकी मीटिंग्स के अंदर? बिलाल, क्योंकि पुलिस की नजर में जहां से जराए आमदन है वहां उन जगहों पर इतनी नजर नहीं रखी जाती, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको काला धन पहुंचता है। असल वजह उसकी यही है कि जो ऑर्गेनाइज जराइम है, जिसे ऑर्गेनाइज जराइम का नाम दिया जाता है, वो मौकल याफ्ता जुर्म कहलाता है, और उसे बाकायदा तौर पर पुलिस की मौकल हासिल करने के बाद जो है वो हतमी शक्ल दी जाती है। शर्की और जुनूबी में ये जुर्म गुज़श्ता अरसा दराज से हो रहा है। सिर्फ जिला शर्की का एक पुलिस स्टेशन है टीपू सुल्तान, जिसकी हदूद में 42 से ज्यादा गेस्ट हाउस चल रहे हैं। डिफेंस, गिदरी और दरक्षा समेत भी 4 मजीद पुलिस स्टेशन है जिला जनूबी के, जहां 100 से ज्यादा ये गेस्ट हाउसेज काम कर रहे हैं। इसमें मजमूई तौर पर गेस्ट हाउसेज वो हैं जहां पर 2 नंबर के तमाम धंधे पुलिस की जेर सरपरस्ती हो रहे हैं। शाहिद खटक नामी एक किरदार है जो जिला जनूबी में पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रखा है। आज होने वाला जो अहम तरीन साउथ का तबादला है ये उसके दस्तकार बताए जाते हैं।
ठीक है, ये शाहिद खटक नामी जो आपने इस वक्त शख्सियत का नाम बताया, इसका ताल्लुक कहाँ से? क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट से या फिर ये बीटर के तौर पे काम करते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल कराची पुलिस का हिस्सा है, जिला जनूबी के डिस्ट्रिक्ट साउथ में इनकी पोस्टिंग है। ये खुद को सब इंस्पेक्टर बताते हैं, असल रैंक इनका सिपाही है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इस वक्त लेना चाहूँ, ये काला धन क्या सिपे सालार तक भी पहुँच रहा है कराची के? बिलाल, ये कहना इंतहाई मुश्किल होगा कि आया इस पे सिपा सालार मुलविस है या नहीं, लेकिन वो खुद इसके जिम्मेदार गए क्योंकि उनकी नाक के नीचे शहर भर में ऑर्गेनाइज जराइम हो रहा है। तजावजात की आड़ में काला धन बहुत बड़ी तादाद में जमा होता है। मंशियात की फरोख के लिए एक नेट सिस्टम है जो कि पूरी सरपरस्ती दे रखा है, वो पुलिस का सिस्टम है। गुटके की फरोख में पूरा नेटवर्क है जो सरपरस्ती दे रखा है, वो पूरा नेटवर्क पुलिस का है। लैंड ग्रैबिंग से लेकर पानी की फरोख और गैर कानूनी तामीरत का जो पूरा एक सिस्टम है, ये तमाम के तमाम पुलिस की निगरानी में हो रखा है, जिसका एक बहुत बड़ा खुमियादा कराची के अवाम मुकदर की है। सिर्फ 60 रोज के जो हमने आदाद शुमार जमा किए गए, 13,944 वारदातें कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं। अगर जिला जुनूबी की बात की जाए, ये इंतहाई हसास तरीन शहर का जो है वो जिला है। 2,042 वारदातें यहाँ हुई, साउथ में 830, लियारी समेत जो अतराफ का सराउंडिंग एरिया है यहाँ 545 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि केमाड़ी इंतहाई सनती एरिया भी दर्जा रखता है डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ 667 वारदातें चंद सिर्फ 2 माह के दौरान हुई हैं। जिला शहर की भी कराची का बड़ा जिला कहलाता है, यहाँ पर कई पोश इलाके हैं, कुछ सनती एरियाज हैं। इसका एक सनती एरिया है कोरंगी जहाँ 2,901 वारदात, मलीर में 562, जबकि ईस्ट में सिर्फ ईस्ट एक छोटा सा जिला डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, रकबा बहुत बड़ा है लेकिन आबादियां इसमें बहुत मुख्तसर हैं। 3,375 अफराद यहाँ पर असलहे के जोर पर सिर्फ 60 रोज के दौरान मुसलसल लुटेरों का जो है वो शिकार बने गए। जिला घर भी गुज़श्ता अरसा दराज से लुटेरों और दहशत गर्दों और सुपारी किलरों के जेर सरपरस्ती था, मगर जब से कराची ऑपरेशन हुआ था यहाँ इस नौयत की वारदातें तो थम गई थी, लेकिन हमने जो 60 रोज के आदाद शुमार इकट्ठे किए वो इंतहाई हौलनाक थे। 60 रोज के आदाद शुमार जो आप मुझसे इस वक्त शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये एडिशनल आईजी गुलाम नईम अहमद तक भी पहुंचे हैं? उन्होंने सरजरिश नहीं की एसएसपी की, डीएसपी की? बिल्कुल, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल पर ऑर्गेनाइज जराइम को के खात्मे के लिए एक निज़ाम बनाया है और दूसरा निज़ाम आज इस हवाले से मुरतब किया गया है कि आया किसी भी तरह कराची में होने वाली जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उनमें मुलविस जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जाएं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि जोर दिया जाए कि इसके जल्द अज जल्द इस मरहले को मुकम्मल किया जाए। साथ साथ एक मरतबा फिर आज वही बात सामने आई है बिलाल के जो इलाकाई सतह पर जो लोग हैं, जैसे कि दूध की दुकान है, होटल का मालिक है, रिहायशी इमारतें हैं, उनको अपील की जाए कि वो आया क्लोज सर्किट कैमरे लगाएं ताकि पुलिस की मदद की जा सके और स्ट्रीट क्राइम समेत जो दीगर डकैती की वारदातें हैं उसमें मुलविस जो किरदार हैं वो किसी तरह आइडेंटिफाई हो सके। ये इजलास आज हुआ है और इस पर सख्त फैसले किए गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम को किसी तरह काबू किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर। और कराची की जो सूरत हाल है, जराइम की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है और कराची पुलिस चीफ जो सिपे सालार हैं इस वक्त कराची के पुलिस के, वो खामोश बैठे हैं, उनकी हिदायत पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब एक अच्छा कदम यह भी उठाया गया कि ब्लैक कंपनी को और खुफिया इदारों को रिपोर्ट्स मुरतब करने का हुक्म दिया गया है कि जो बीटर्स काम करते नज़र आ रहे हैं पुलिस स्टेशंस के अंदर और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स उसके साथ मुलविस हैं और काला धन जमा किया जा रहा है और कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा रहा है, एक लिस्ट तश्कील दी गई जिसके अंदर सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बशमूल स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और दीगर अमला जो जो मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई एक्सपेक्टेड है। बहरहाल यहाँ पर वफा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं वो भी शेयर करेंगे।